सभी अच्छे होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं एशिया कप का थर्ड मैच है, आई थिंक थर्ड ही है। तो हम दो मैच खेले थे और दो मैच हमने विन किया है। आज हमारा इंडिया वाला श्रीलंका का मैच है, श्रीलंका के साथ मैच है हमारा। और हम ग्राउंड चेंज करेंगे गाइस, इस वाले पे खेलते हैं प्लेंगटोन पे। और फील्ड हमारी वही है, ठीक है। और प्लेइंग इलेवन भी इस श्रीलंका की ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है मैप्स। चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये हो गया डाउनलोड और आ गए हैं हम अपने ग्राउंड पे। तो क्या लुक है ग्राउंड की, कमाल का ग्राउंड है गाइस। अरे नहीं, पूरा दिखाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अब सीधा टॉस पे चलते हैं। टॉस पे मिलते हैं और श्रीलंका के कप्तान उछालेंगे कॉइन को। हमको हेड चाहिए, हेड आएगा क्या? बैटिंग लेंगे हम, को बैटिंग करना है पहले। बैटिंग, बॉलिंग भी की थी हमने शायद कुछ एक दो मैच में। रोहित शर्मा, राहुल, राहुल का बल्ला चल नहीं रहा है। जिस दिन चल जाएगा उस दिन अच्छा कमाल करेंगे। महेश परिथाना आए हैं बॉलिंग के लिए और रोहित शर्मा है स्ट्राइक पे गाइस। पहली बॉल को भेजा है बाउंड्री के पास रोहित शर्मा ने, यानी कि हमने ही भेजा है। हमको काफ़ी रन बनाने होंगे इन 5 ओवर में, कम से कम 70-80 के समथिंग तो बना लेंगे। बनाना भी चाहिए हमको, क्योंकि अगर इतने रन नहीं बनाए तो काम नहीं होगा हमारा। ये पहली बॉल पे फोर आया है, ग्राउंड भी बिल्कुल एग के आकार का है। और ये मिस, शॉट को मिस कर दिया हमने। सामने की तरफ खेलना चाह रहे थे हम, कोई नहीं, इस शॉट को खेलेंगे। अच्छा, और ये बाउंड्री के बाहर बॉल को भेज दिया है हमने। अच्छा गाइज एक सेकंड, थोड़ा कमेंट्री का आवाज़, थोड़ा वॉल्यूम साउंड ज़्यादा है, तो मैं इस बॉल को खेल लेते हैं पहले। अरे वाह क्या हिट किया है, इस बॉल में बाउंड्री ले सकते थे हम। इस ओवर में अभी तक 9 रन आए हैं। फिर से बॉल को भेजा है और सिंगल लिया है राहुल ने। लास्ट बॉल है इस ओवर की। फिर से रोहित हैं स्ट्राइक पे और बॉल को भेजा है ग्राउंड से बाहर। और ये बहुत बड़ा फोर, 6 के लिए बॉल था बट ग्राउंड थोड़ा बड़ा है तो जा नहीं पाया, बट कोई नहीं, फोर कमाल का फोर था ये। और सामने की तरफ शॉट को खेला है रोहित शर्मा ने, फील्डर कोई मौजूद नहीं वहाँ पे। मिल जाएंगे 4 रन और ओवर समाप्त। 14 रन आए हैं, लहुरु कुमरा आए हैं ओवर लेके। राहुल है स्ट्राइक पे, इसमें भी हमको कुछ अच्छा करना पड़ेगा। ये भी क्या फोर, चलिए राहुल के बल्ले से भी फोर निकला है। 2 बॉल 5 रन आए हैं अभी राहुल के बल्ले से। उम्मीद करेंगे राहुल इस मैच में कुछ अच्छा करें। ग्राउंड पे घास देखिए गाइस, कमाल की घास लग रही है। और ये इधर बॉल को भेजा है और 2 रन की मांग की है। 2 रन ले लेंगे हम, हो गया कंप्लीट। 18 रन और 20 रन हो चुके हैं।
आठ बॉलों में, और देखिए ऑफ साइड पूरा खाली पड़ा है। इस बार इधर ही देखते हैं शॉट को लगा के, इधर फोर मिलेगा। ये कमाल का शॉट था, फोर, कोई फील्डर मौजूद ही नहीं था, बस थोड़ा सा बाउंड्री तक थोड़ा सा हल्का सा बॉल को पहुंचाना है, और 4 रन मिलेंगे आराम से। अभी एक फील्डर वहाँ पे लगा दिया है, अब बैक और फ्रंट बिल्कुल खाली हैं, और यहाँ भी खाली हैं। ये तो बाउंड्री से बाहर गिरेगी बॉल, इस बार राहुल का बल्ला चलता हुआ गाइस। एक कमाल की बैटिंग कर रहे हैं इस बार राहुल। पिछले मैचों में देखा आपने, दो तीन मैचों में कुछ खास नहीं करके गए हैं, और अपनी विकेट इजीली और आराम से, और पहले बहुत पहले ही दे देते हैं। कब से 0 रन पे भी विकेट दिया है इन्होंने अपना, और 10-12 रन बना के भी दिया है। तो इस बार उम्मीद करेंगे कि कुछ अच्छा करें राहुल। ये फिर से डॉट बॉल, चलिए 16 रन आए हैं अभी 20 ओवर से, लास्ट बॉल बाकी है अभी, रन तो बनाने हैं हमको। और इधर फील्डर मौजूद है, सिंगल ले लेंगे, चलिए कोई बात नहीं, सिंगल बहुत है। 17 रन आ गए हैं इस ओवर से भी, और ओवर की समाप्ति। चमीरा को भेजा है, फिर से फास्ट बॉलर को भेजा है, पावर प्ले समाप्त हुआ, और राहुल है स्ट्राइक पे। और ये फिर से फोर, चलिए ये भी कमाल का फोर था। आज राहुल कमाल कर देंगे गाइस, इंडिया के प्लेयर, एशिया कप थर्ड मैच, इस पारी को यादगार बना के जाएंगे राहुल अपने लिए। 22 रन बना दिए हैं 8 बॉलों पे अभी। यहाँ पे 2 रन की मांग की है राहुल ने, कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए इस बॉल पे बाउंड्री है तो आना ही चाहिए, और बॉल को भेजा है सामने की तरफ, और ये फोर गाइस, सिक्स नहीं लग पा रहा, बहुत सामने की बाउंड्री बहुत बड़ी है। सिक्स की कोशिश कर रहे हैं हम, बट नहीं जा पा रहा है सिक्स। चलिए इस बार देखते हैं लेग में खेलेंगे या ऑफ में खेलेंगे, तो सिक्स भी लगेगा। ये सिक्स की ही बॉल थी, बस थोड़ा सा पीछे गिरा है बाउंड्री से बॉल, और लग नहीं रहा था, देखिए बिल्कुल करीब जाके बॉल लगा है वहाँ पे, कोई बात नहीं, साइड चेंज किया है। और यहाँ पे भी फोर, चलिए इस ओवर को भी हम बड़ा बनाते हुए 14 रन अभी आए हैं 4 बॉल पे। फील्डर कैच को पकड़ ही रहे थे, उछल के कैच को पकड़ रहे थे, बट बॉल बहुत ऊंची थी तो बॉल को पकड़ नहीं पाए। अरे नहीं, ये तो बहुत गलत शॉट खेल दिया, जो खेलना चाहिए था वो नहीं खेल पाए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं। और ये फिर से बॉल को भेजा है, फिर से सिंगल लेंगे राहुल। चलिए 32 रन हो चुके हैं राहुल के बल्ले से, 13 बॉल पे 33 रन बना चुके हैं, और 40 रन 3 ओवर में आए हैं इंडिया के, और एक भी विकेट लॉस नहीं किया है इंडिया टीम ने अभी। बहुत बेहतर खेल रही है इंडिया टीम, हर सुरंगा आए हैं, कमाल के स्पिनर हैं ये।
और बॉल को भेजना चाहेंगे बाउंड्री राहुल, और भेजा भी है 4 रन पहली ही बॉल पे। हर्षरंगा को बाउंड्री लगाया है, 37 रन खेले हैं, पार्टनरशिप 19 बॉलों पे 50 रन, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं दोनों गाइस। 70-80 रन के करीब तो बनाएंगे हम इस मैच में। श्रीलंका के एक ही प्लेयर मुझे अच्छे लगे हैं अभी तक, जो हर्षुरंगा है, और ये बॉल भी बाउंड्री तक जाएगी। चलिए इस पे भी 4 मिला। 41 रन कंप्लीट किए हैं राहुल ने। राहुल आज राहुल का बल्ला बोला है गाइस, और हम नॉर्मल मैच भी खेल रहे थे ना तो भी राहुल नहीं चल पा रहे थे, तो आज राहुल का बल्ला बोला है, कमाल का बल्ला बोला है आज राहुल का। कोशिश करेंगे कि वो 50 तक पहुंचे, अपनी साइड चेंज किया हर्षुरंगा ने। ये बैक शॉट खेल सकते हैं हम बैक शॉट ही खेलेंगे इसको। अरे यहाँ पे तो फील्डर, अरे ये भी 4, चलिए 4 की हैट्रिक लगा दी है। 45 रन कंप्लीट किए 16 बॉलों पे केएल राहुल ने। बैक शॉट, क्या कमाल का बैक शॉट खेला था केएल राहुल। फील्डर मौजूद थे बट बहुत दूर थे, तब तक बॉल बाउंड्री तक जा चुकी थी। 58 रन 0 विकेट 45 पे हैं केएल राहुल, और एक सिक्स की ज़रूरत है उनको बाउंड्री की, अपने शतक से दूर हैं 5 रन, और ये बाउंड्री तक बॉल जाएगी। यहाँ भी 4, 4, 4, 4, 4 गाइस, 4 4 आ चुके हैं इस ओवर से। 16 रन निकाले हैं और 49 पे पहुँचे हैं राहुल। आज राहुल ने कमाल कर दिया है, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं आज राहुल। यहाँ पे भी कोई फील्डर मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या फील्डर मौजूद है। यहाँ पे भी आराम से 4 कंप्लीट हुई 50 राहुल की, क्या कमाल की पारी खेली है। 5 4 लगातार, 4 पे 4 4 पे 4 4 4 4 लगाए हैं केएल राहुल ने, कमाल कर दिया। 18 बॉल पे 53 रन, 4 चौके लगाए हैं, 4 10 10 4 लगा के, और 1 6 लगाया है केएल राहुल ने, और 50 कंप्लीट की अपनी। ये तो बिल्कुल आसानी से खेला है शॉट को, कोई फील्डर था ही नहीं वहाँ पे जो बॉल को पकड़ते। चलिए कोई बात नहीं, 66 रन हो चुके हैं इंडिया टीम के, और हर्षुरंगा का तो कमाल कर दिया है बेहतरीन। अरे ये डॉट बॉल, कमाल हो गया, बैक साइड खेलते ना तो पहुँच जाती बॉल। चलिए कोई बात नहीं, बहुत रन आ गए हैं राहुल के बल्ले से। देखना आए हैं अब लास्ट ओवर लेके, 66 रन की पारी खेल चुके हैं दोनों ओपनर, और ये भी स्पिनर हैं। और फिर से वही शॉट और वही बॉल थी, रोहित शर्मा 6 बॉल पे 13 रन बना चुके हैं अभी तक। उनसे उम्मीद करेंगे कि अच्छे रन बनाए, और ये बाउंड्री के बाहर बॉल को भेजा है उन्होंने 6 रन। ये तो कमाल का शॉट था रोहित के बल्ले से, 19 रन बनाए उन्होंने भी, कमाल का 6 लगाया है ये। ये कमाल की पारी खेली है दोनों इंडियन प्लेयर ने, 72 रन बना दिए 5 ओवर में, और सामने की साइड खाली है अभी, इधर हम कुछ लगा सकते हैं। और ये भी 4 6 है आई थिंक 6, ये कमाल का 6, और ये बेहतरीन इशारा एम्पायर का, ग्राउंड के बाहर जाके बॉल गिरी है बाउंड्री के ऊपर से, और ये 2 बॉल पे 2 6 आ चुके हैं गाइस। और क्या रोहित और भी अच्छा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए, क्या स्कोर और बड़ा बन सकता है यहाँ पे, ये देखना होगा। 78 रन बन चुके हैं अभी, 78 रन, और ये बॉल को उछाला है रोहित शर्मा ने, और कैच आउट गाइस। बहुत आसान सा कैच था ये,
और रोहित शर्मा 9 पे 25 बना के गए हैं। देखिए बहुत आसानी से कैच लिया है बल्लेबाज बॉलर ने, कैच बाउंड्री पे जाके बिल्कुल कैच को पकड़ा है, और कैच अगर निकल जाता ना हाथों से तो और भी अच्छा होता। विराट कोहली आए हैं बट स्ट्राइक पे तो राहुल ही हैं, 2 बॉल बची हैं। और इन 2 बॉलों को भी कोशिश करेंगे कि बाउंड्री के बाहर भेजा जाए, और 4 रन। राहुल तो राहुल है जी गाइस, आज कमाल कर रहे हैं राहुल, 57 रन बना चुके हैं राहुल। क्या बेहतरीन पारी खेली है राहुल ने इस बार, यादगार बना के गए हैं इस मैच को, एशिया कप के 3rd मैच को। इंडिया बना श्रीलंका, 57 रन 20 बॉल, और ये लास्ट बॉल है पारी की, क्या इस पे भी शॉट लगाएंगे, और ये डॉट बॉल। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी पारी खेली है राहुल ने, ये पारी यादगार बनाई है। 83 रन बनाए हैं, 82 रन बनाए हैं इंडिया टीम ने, और 83 रन चाहिए श्रीलंका टीम को। और आते हैं अपनी बॉलिंग लेके, अर्शदीप सिंह को लेके आए हैं हम फर्स्ट बॉलिंग, और पहली बॉलिंग हम वहीं डालेंगे, इन स्विंग डालेंगे, देखते हैं कि क्या इन स्विंग पे मदद मिलती है इंडिया टीम को, फिर बाउंस की कोशिश करेंगे। हाथों में बॉल बेहतरीन, और ये भी हम पैरों में ही डालेंगे बॉल, आउट स्विंग डालते हैं इसको, कैच आ सकती है इस बॉल पे, कोशिश तो यही है गाइस। और ये नई हाथों में बॉल, चलिए ये भी अच्छी बात है, 2 बॉल डॉट बॉल। और इस बार हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो बाउंड्री जा सकती है और या तो फिर कैच आ सकती है। यहाँ पे फील्डर मौजूद थे बट नहीं पकड़ पाया, बाउंड्री दे चुके हैं अपने, कोई बात नहीं गाइस, करते हैं नेक्स्ट, गलती हो गई हमसे, हमने पहले ही बोला था कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, आउट स्विंग ही डालते हैं। बैक में भी कोई है क्या? अरे नहीं है, यहाँ पे भी 4 जाएगा, ये तो कमाल हो गया। चलिए इस बार कुछ और सोचते हैं, जो हमने टीम बनाया है, फील्ड सजाया है, वो फील्ड लगाते हैं और बॉल को थोड़ा बाउंस देते हैं। क्या इस बार विकेट मिल सकता है अर्शदीप सिंह को? 4 बॉल पे 8 रन दे चुके हैं अर्शदीप सिंह, और ये फिर हाथों से बॉल निकाल दी है फील्डर ने, और ये फिर से 4। बारह रन इस ओवर से आए हैं गाइस, और फिर से मैं वही बॉल ट्राई करूंगा, इन स्विंग वाली, थोड़ी स्पीड दे रहा हूँ इस बार। और 25 बॉलों पे 71 रन चाहिए, अभी श्रीलंका को 12 रन आ चुके हैं। और ये देखिए बैक साइड में, क्या बस विकेट से लगना ही थोड़ा रह गया था। चलिए 13 रन आए इस ओवर से, कोई बात नहीं। और अश्विन को लेके आते हैं 2nd ओवर के लिए, अश्विन ने कमाल किया है, काफ़ी बार इंडिया टीम को बहुत अच्छी तरह से सफलता दिला के मैच को विन किया है, 3-3 विकेट लेके जाते हैं अश्विन। रन आउट नहीं पहुंच गए हैं प्लेयर, पिसंखा आए हैं अब बैटिंग पे, और पिसंखा को हम सोचेंगे चलता करें 0 रन पे, पिसंखा। और ये नहीं 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 ये तो कमाल हो जाता। चलिए एक कमाल और देखने को मिला है हमें, हमें मौका दिया है कि हम वहाँ फील्डर रख सकते हैं, तो हम वही करेंगे अभी। पहले इस फील्डर को यहाँ लेते हैं, एडिट करके 7 को बैक साइड में लाते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। और अभी हम यहाँ से बॉल डालेंगे, और ये बहुत बढ़िया, अश्विन ने बॉल को रोका, 5 रन आ चुके हैं अश्विन के इस ओवर में। कैच चाहिए हमको, कैच 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 कैच, यहाँ विकेट कुछ भी मिले, विकेट बहुत ज़रूरी है हमें, विकेट
कैसे भी चाहिए हमको विकेट चाहिए, बस हमको विकेट लेना है इसी ओवर में, और इस बार कोशिश करेंगे विकेट मिले हमको। और ये बॉल फील्डर है, चलिए 2 रन की मांग किए रन आउट, अरे नहीं वो भी निकल गए, 2 रन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए लास्ट बॉल है ये, और 7 रन आ चुके हैं अभी तक अश्विन की इस ओवर में। मार दे भाई रन आउट, अरे बैट्समैन 19 बॉल पे 63 रन चाहिए, हमने बहुत रन अच्छे खासे बना लिए थे। 82 रन 5 ओवर में हमने कमाल का खेला था गाइस, और यहाँ पे कमाल कर दिया था रोहित शर्मा ने। तो मुझे ये है कि श्रीलंका टीम के प्लेयर को एक या दो विकेट तो गिरना चाहिए कम से भी कम, तभी जाके ऑफ स्पिन कर रहा हूँ मैं। सुंदर के हाथों से बॉल जा रही है और ये कैच आउट, सुंदर सुंदर अति सुंदर पिसंका को चलता किया है 7 रन पे, पहली सफलता इंडिया टीम को मिलती हुई। कमाल की बॉलिंग डाली है गाइस हमने, इस पे तो कमेंट बनता है सुंदर। हरदीप सिंह को विकेट नहीं मिला बट कैच उन्होंने अच्छा लिया है, डाई मार के एकदम सटीक से बॉल को पकड़ा है, मैन ऑफ द मैच की कैच है ये, देखिए क्या कमाल की डाई मार के। चलिए असलंका आए हैं नेक्स्ट बैट्समैन, और यहाँ पे तो सारा डालते हैं, क्या देखते हैं मिलता है देखने को। ये बैक में मारा है, ये फील्डर है क्या, अरे नहीं नहीं फोर गया है, चलिए कोई बात नहीं फोर तो जाने देते हैं, बट हमको थोड़ा साइड चेंज करना पड़ेगा इस बार, अगर सुंदर भी ऐसे करने लगे ना तो गाइस कमाल हो जाएगा। फिर से वही बॉल डालता हूँ मैं, बस थोड़ा यहाँ पे फील्डर 2 रन ले लेंगे यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। 8 रन 6 रन हो चुके हैं 3 बॉल पे 1 विकेट, और अब हम फिर से मैं वही टॉप स्पिन कर रहा हूँ, और बैट्समैन बहुत चालाक पने से खेल रहे हैं, देखिए कितना माइंड लगा रहे हैं, बट कोई बात नहीं सिंगल ही मिलेगा यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे फिर से ऑफ स्पिन डालूँगा बॉल, 4 बॉल हो चुकी हैं 7 रन आए हैं अभी तक, यहाँ पे फील्डर अरे क्या कर रहे हो भाई, अरे बॉल को पकड़ सकते थे 1 रन बचता ना। चलिए 55 रन चाहिए अभी, 54 रन चाहिए अभी 13 बॉलों पे, और ये लास्ट बॉल है, फिर से ऑफ स्पिन डाल रहा हूँ मैं, मुझे कैच और चाहिए इस, अरे क्या आराम से खेला है शॉट को। चलिए 8 रन आए 1 विकेट, सुंदर अति सुंदर बॉलिंग करके गए गाइस, कमेंट बनता है सुंदर वॉशिंगटन सुंदर के लिए। और मैं यहाँ पे दीपक चहर को लेके आता हूँ, मैं 5th ओवर इनसे डलवाता हूँ बट मुझे थोड़ा रोटेट करना है, तो मैंने दीपक चहर को अभी 4th ओवर लेके ही भेज दिया है, क्योंकि लास्ट ओवर में ये पिलते भी अच्छे हैं और विकेट भी अच्छी लेते हैं, तो रन अच्छे खासे खा जाते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी एक बॉलर को और संभाल के रखता हूँ जो लास्ट ओवर में काम आ सकता है, तो मैंने दीपक चहर को यहाँ पे 4th नंबर पे बॉलिंग दी है, जो 4th ओवर लेके आए हैं। और अभी यहाँ पे श्रीलंका के बैट्समैन सिंगल सिंगल खेल रहे हैं, और विकेट का कोई चांस नहीं बनता कि विकेट हमको मिलेगी, बट हम पूरी कोशिश करेंगे, हमको विकेट मिलनी चाहिए, 1 विकेट ही गिरा है अभी तक। और ये फिर से बैक शॉट खेला है, फिर से 1 रन, और कुंथिल खेल रहे हैं बढ़िया, चलिए कोई नहीं, और इस बार मैं आउट स्विंग करके 1 विकेट चटका देता हूँ, कैच तो आएगा, अरे कैच तो नहीं है बट कुछ और भी है क्या, 4 है 4 है गाइस 4 है 4 है गाइस 4,
8 बॉलों पे 47 रन चाहिए इनको। हमको ये बॉल यहाँ पे डालनी है, और थोड़ा स्पीड में मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा स्पीड थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पे कोई फील्डर है क्या? चलिए है, क्योंकि बाउंड्री नहीं जानी चाहिए, बाउंड्री जाएंगे तो रन तो खैर खास नहीं बन पाएंगे, हम बनने भी नहीं देंगे, बट अपना जो बॉलर है ना उसको थोड़ा डाउन जाएगा, विकेट नहीं मिला तो रन भी नहीं बनने चाहिए। लास्ट बॉल है, 8 रन आ चुके हैं दीपक चहर के इस ओवर से, और ये 9 रन या फिर 10 रन, चलिए 10 रन दे के गए हैं। और अभी लास्ट ओवर है, 6 बॉल पे बहुत रन चाहिए श्रीलंका को, और हम ये इस मैच को भी विन करेंगे आराम से। अभी तक हमने 3 मैच विन किए हैं गाइस, और मैं सोच रहा हूँ कि इस मैच इस ओवर को मैं श्रेयस अय्यर को दे देता हूँ, बाकी भुवनेश्वर कुमार को पहले मौका दिया था तो कुछ खास करके नहीं गए थे, इसलिए मैं इस ओवर को दे रहा हूँ श्रेयस अय्यर को, और इनसे बॉलिंग कराते हैं गाइस, किस काम आएंगे ये। यहाँ पे 2 रन की मांग की है क्या? नहीं, 1 रन ही है, 1 रन आया है इसके। और 6 बॉल पे 5 बॉल पे अब इनको 43 रन चाहिए। तो गाइस कमेंट करके बताना ज़रूर मैच कैसा लगा है आपको, किस तरह से बैटिंग की है राहुल ने और रोहित ने। लास्ट में आके विकेट गिरा है गाइस, लास्ट ओवर में आके विकेट गिरा था रोहित का, जो थोड़ा लंबा शॉट खेला उन्हें चाहा था तो बाउंड्री पे कैच दे दिए, और कोई बात नहीं, फिर भी आके राहुल ने उसी बॉल पे उसी साइड को फोर लगाया था। और यहाँ पे फील्डर मौजूद है, 3 रन आ चुके हैं इनके ओवर से, 3 बॉल पे 3 रन, और अब हमको थोड़ा ट्विस्ट लाना पड़ेगा क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा है। फील्डिंग में वही रखता हूँ, थोड़ा बाउंस में डालता हूँ बॉल को, और ये बाल बाल बचे, अभी कीपर कैच तो हो ही जाता, और ये फिर से मैं वही बॉल डालूँगा। 4 बॉल हो चुकी हैं श्रेयस अय्यर की, ये बॉल भेजा है बाउंड्री के पार, चलिए कोई बात नहीं, लास्ट बॉल है हमारी, और 7 रन आ चुके हैं इस ओवर से भी, 7 रन आ चुके हैं, लास्ट बॉल है, और इस बॉल पे तो हमको कैच भी मिल सकता है गाइस, विकेट मिल जाएगा ना लास्ट बॉल पे तो मज़ा आ जाएगा। अरे नहीं, चलिए कोई बात नहीं, 2 रन ले सकते हैं ये श्रीलंका के प्लेयर, और ये फिर से मिस फील्डिंग। चलिए बहुत रन से जीती है इंडिया, बहुत रन से, 34 रन रेट अच्छा बना के चल रहे हैं, रन स्कोर जो अच्छा है वो अच्छा बना के चल रहे हैं। रोहित और राहुल ने कमाल कर दिया था, शुरुआत शुरुआती विकेट ही नहीं दी थी, और यहाँ पे एक विकेट सुंदर को मिला था और वहाँ पे तिक्ष्णा को। चलिए गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट मैच पे, और नेक्स्ट मैच देखना होगा हमें कि किसके साथ है हमारा, किस ग्राउंड पे हम चूज़ करेंगे, और किस प्लेयर को खिलाना है किसको नहीं खिलाना, वो हम नेक्स्ट मैच पे ही बात करेंगे। तो गाइज अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यही रोज़ एशिया कप मैच देखने के लिए। तो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट मैच पे आपको, इसी ग्राउंड पे मिलेंगे या फिर दूसरे में मिलेंगे ग्राउंड, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो देखते हैं। आप कोशिश करना कि कमेंट करने की और मुझे बताने की कि गेम प्ले में क्या आपको अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो गाइज मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।